नमस्कार द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप और मेरा नाम शशांक पांडे है। आपने वो गाना सुना होगा, तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे। अब ये गाना जो है भाजपा के नेता हरिभूषण ठाकुर बचौल गा रहे हैं और ये गाना डेडिकेट कर रहे हैं तेजस्वी यादव को। नेता प्रतिपक्ष हैं, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को। उन्होंने कहा कि बिहार के विकास हो या ना हो, तेजस्वी यादव को उससे कोई मतलब नहीं है। देखिए ना, सदन चल रहा है और वो कभी दिल्ली तो कभी कहीं और निकल जा रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि आपने वो गाना सुना होगा, वो तेजस्वी यादव पर अभी बहुत सूट करेगा। वो उन्होंने गाना भी गाया कि तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे, सुबह पहली फ्लाइट से दिल्ली निकल जाओगे। और फिर हरिभूषण ठाकुर बचौल भाजपा के वो नेता हैं जो अपनी बयानों की वजह से हमेशा चर्चा में रहते हैं। हरिभूषण ठाकुर बचौल ने फिर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर टिप्पणी करते हुए ये बात कही कि बिहार के विकास में तेजस्वी यादव की कोई भूमिका तो पहले भी नहीं रही है और ऐसे भी बिहार का विकास हो या ना हो, तेजस्वी यादव को कोई मतलब नहीं है। पारिवारिक पार्टी का हिस्सा है, राजद जो पार्टी उनकी है वो पारिवारिक पार्टी है, परिवार ही चला रहा है और तेजस्वी यादव सिर्फ अपने पार्टी के बारे में यानी अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, बिहार के बारे में कुछ नहीं सोचते हैं। अगर सोचते तो सदन चल रहा है, सदन में मौजूद रहते, ना कि फ्लाइट पकड़ के पत्नी के साथ दिल्ली निकल जाते। बता दें कि तेजस्वी यादव बीते दिनों दिल्ली गए हुए हैं अपनी पत्नी और अपनी बहन मीसा भारती के साथ। वहाँ पर 20 तारीख को एक कार्यक्रम भी है जब शरद यादव अपनी पार्टी का विलय राजद में कराएंगे, उसमें भी तेजस्वी यादव शामिल रहेंगे। लेकिन आज सदन का आखिरी दिन है, आखिरी दिन बोले तो होली के बाद तक स्थगित रहेगा, यानी 20 या 21 तारीख को फिर से सदन शुरू होगा। लेकिन आज तेजस्वी यादव को सदन में होना चाहिए, ऐसा सभी, आज क्या कल भी तेजस्वी यादव सदन में नहीं थे, लेकिन राजद के सभी नेता ने मोर्चा संभाला था और ऐसे आज उनकी अनुपस्थिति में भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा कि अगर नेता प्रतिपक्ष यहाँ मौजूद रहते तो माहौल कुछ और रहता, लेकिन वो तो ठहरे परदेसी, वो किसी का साथ नहीं निभाने वाले हैं, जब मन करेगा उठेंगे और पहली सुबह की फ्लाइट पकड़कर दिल्ली निकल जाएंगे। बिहार के विकास से उनको कोई मतलब नहीं है, पता नहीं कौन उनको नेता प्रतिपक्ष बना दिया है। अब देखने वाली बात यह है कि जब सदन चल रहा है तो हरिभूषण ठाकुर बचौल को राजद के नेता कैसे जवाब देते हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया।